हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बेकूप ऐप में न्यू अकाउंट कैसे बनाएं। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ऐप को कर लेना है ओपन। अगर आपने प्ले स्टोर ऐप को लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपको लॉगिन करके आपको प्ले स्टोर को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पर सर्च करना है बेकूप ऑनलाइन शॉपिंग। उसके बाद जो है आप सबसे टॉप में देख सकते हैं ऐप आ चुका है। आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल का ऑप्शन है, आपको इस पर इंस्टॉल पर कर देना है क्लिक। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ये इंस्टॉल हो रहा है आपके फ़ोन में ऐप। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और फ़ोन के डिस्प्ले से भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहीं से कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए ओपन। उसके बाद जो है आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन है, आपको इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको सबसे टॉप में लॉगिन साइनअप का ऑप्शन है, लॉगिन साइनअप पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास फेसबुक के साथ अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो आप फेसबुक के साथ भी कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर से लॉगिन कर लेता हूं। तो यहां पर आपको, अगर आपको भी फ़ोन नंबर से लॉगिन करना है तो आपको यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर कर देना है क्लिक। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना नाम डाल लेना है, जो भी आपका नाम है वो नाम लिख लेना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है अपना, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। तो मैं पासवर्ड यहाँ पर डाल लेता हूँ। उसके बाद जो है आपको इस पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पर OTP आएगा, आपको यहाँ पर OTP डाल देना है। तो आपको यहाँ पर पहले सबसे पहले गेट OTP पर करना है क्लिक। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद जो है अब OTP आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपके मोबाइल नंबर पर OTP आता है आपको वो OTP यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद सबमिट OTP पर कर देना है क्लिक। सबमिट OTP पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आपका देख सकते हैं न्यू अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो आप इसी तरह से न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको देखना है बेकूप ऐप में न्यू ऑर्डर कैसे करते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से न्यू ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।